भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 असम के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद से लापता चल रहा है। जी हाँ, 42 घंटे बाद भी लापता AN-32 विमान का सुराग नहीं लग पाया है। खराब मौसम से सर्च ऑपरेशन में बाधा भी आ रही है। आपको बता दें कि AN-32 विमान में आधुनिक एवियोनिक्स रडार या आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर नहीं थे और विमान का आखिरी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में चीन सीमा के करीब मिला था। और ऐसा माना जा रहा है कि विमान इस लोकेशन के आसपास ही हो सकता है। विमान में 13 लोग सवार थे और इनमें से 8 क्रू मेंबर्स थे और 5 लोग और भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने विमान का पता लगाने के लिए सैटेलाइट, स्पाई एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान के जरिए लापता हुए विमान को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है और साथ ही भारतीय सेना के हवाई और जमीनी दलों के विभिन्न सरकारी और सिविल एजेंसियों के साथ साथ 5 जिलों की पुलिस भी अब लगातार तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 42 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भी AN-32 का सुराग नहीं लग पाया है। सभी तरीके की कोशिश पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 13 लोग इसमें सवार थे जिनमें से 8 क्रू मेंबर्स थे और बाकी और लोग भी बताए जा रहे हैं। अभी तक भी कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। आखिरी बार संपर्क सोमवार को हुआ था। 42 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भी AN-32 लापता है। खराब मौसम से सर्च ऑपरेशन में भी लगातार बाधा आ रही है। सर्च ऑपरेशन फिर भी चलाया जा रहा है, कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक भी भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान 42 घंटे बाद भी लापता है।